Hello everyone, today we are going to discuss the general introduction of the Transfer of Property Act 1882. आज हम Transfer of Property Act जो है 1882 का इसका general introduction के बारे में हम बात करेंगे कि general चीज इस act में क्या बात है, किस लिए ये act बनाया गया, कब ये act आया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं Transfer of Property Act 1882 की। ये एक्ट जो है ये 1882 का है, तो 1882 का एक्ट है, इसका मतलब है कि ये उस टाइम का एक्ट है जब हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में था। इंडिपेंड नहीं हुआ था हमारा इंडिया, ब्रिटिशर्स के हाथ में था इंडिया, तो ये एक्ट तब का बना हुआ है। टाइम के साथ साथ इस एक्ट में चेंज भी आए और वो अमेंडमेंट होते गए। जो एक्ट बना 1882 में, इसके लिए पहले एक रिपोर्ट दी गई थी, यहाँ से हम बात करेंगे। अ लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंग्लैंड टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ सबस्टेंटिव लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। जो इंग्लैंड में लॉ कमीशन था वहाँ पे अपॉइंट हुआ, और इंग्लैंड में जब लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ तो उसको ये काम दिया गया कि आप एक ऐसा कोड बनाओ, कोड मतलब ऐसा एक्ट बनाओ जो सबस्टेंटिव लॉ दे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था। इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलते थे, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी है इसके लिए एक रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए लॉ कमीशन को बैठाया गया इंग्लैंड में और कहा गया कि आपको एक एक्ट बनाना है, एक कोड बनाना है जो सबस्टेंटिव रिलेटेड करे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज से, जो प्रॉपर्टी है इंडिया में उनके ट्रांसफर से वो डील करता हुआ एक्ट होना चाहिए। जो ये बिल था इसको इंडिया में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, उसको 1877 में इंडिया में लाया गया। फिर ये जब एक्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्ट बना हुआ है 1882 का है, और जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1877 में हुआ। तो ये जो 5 साल का गैप आया, इस 5 साल के गैप में ये देखा गया कि कौन सी चीज़ इस एक्ट में ऐड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ इस एक्ट में हटनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में लोग थे, जो इंडिया की रिस्पेक्टिव जगह थी, वहाँ के जो हेड थे, उनको भी बताया गया कि ये एक्ट आपके ऊपर लागू होने वाला है, इसमें क्या चेंज लाने चाहिए और क्या चेंज हैं होने चाहिए वो आप बताएं। तो वो 5 साल इस टाइम पीरियड के लिए निकल गया। फिर जो 1882 में 17 फरवरी, दिस इज द 17 फरवरी 1882, 17 फरवरी 1882 को ये जो एक्ट है ये इंडिया में इनैक्ट हुआ, और 1 जुलाई 1882, 1st of July of 1882, इट वॉज एनफोर्स्ड इन इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इस एक्ट की, ये एक्ट क्यों लाया गया। जैसा कि लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ था कि एक सेपरेट एक्ट बनना चाहिए इंडिया की जो प्रॉपर्टीज है उनको ट्रांसफर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्ट था इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो 1882 से पहले कोई एक्ट बने हुए होंगे अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड, या फिर कोई एक्ट नहीं थे, सिर्फ जनरल इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइंस से अगर कोई काम हो रहा है, तो उनको अमेंड करने के लिए और टू डिफाइन करना है कि ऐसा लॉ बनेगा अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस तरह से होगा, वो प्रोसेस बताना। उस प्रोसेस को बताने के लिए और जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको हटाने के लिए ये एक नया लॉ लाया गया। फिर एक बात आती है कि बिफोर दिस एक्ट द ट्रांसफर्स इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी, क्योंकि 1882 में ये एक्ट आया, लेकिन 1882 से पहले भी इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, और वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती थी तो जो प्रिंसिपल्स होते थे इंग्लिश लॉ के और इक्विटी के, उससे गवर्न होती थी। जो ट्रांसफर पहले गवर्न होता था 1882 से, तो ये एक्ट 17 फरवरी को इनैक्ट हुआ, 1 जुलाई 1882 को आ गया, उसके बाद अमेंड करने और डिफाइन करने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो रूल्स थे उनके लिए आया, जो उससे पहले
रूल्स थे जो पहले ट्रांसफर्स हो रहे थे वो इंग्लिश लॉ और इक्विटी से गवर्न हो रहे थे। अब यहाँ पे जो वर्ड है इस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम ट्रांसफर से मतलब समझते हैं कि ट्रांसफर क्या होता है। तो ट्रांसफर का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी गिवन टू एनी अदर पर्सन। मैं कोई भी चीज़ अगर किसी को दे रहा हूँ तो वो ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर जो है वो हो सकता है कि मैं किसी को मरे हुए व्यक्ति से किसी को जिंदा व्यक्ति को दे रहा हूँ, और हो सकता है मैं किसी जिंदा व्यक्ति से ही जिंदा व्यक्ति को दे रहा हूँ। मतलब ये है कि हमारे इंडिया में चलता है सक्सेशन और एक चलता है एक्ट ऑफ पार्टी। मतलब अगर हम बात करें कि ट्रांसफर दो टाइप का होता है, तो एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, और दूसरा है एक्ट ऑफ पार्टी। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो सक्सेशन होता है इंडिया में, सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर फैमिली में जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके चिल्ड्रन हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी हम कह सकते हैं और इंटेस्टेड सक्सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। टेस्टामेंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी अगर विल लिख देता है, टेस्टामेंट का मतलब होता है विल लिखना, अगर कोई पर्सन अपनी विल लिख के चला जाता है, वसीयत लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की होगी या इस जगह की होगी, तो वो एक टेस्टामेंट होता है। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है, वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। वहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट या फिर जो भी रिस्पेक्टिव रिलीजन है उसका सक्सेशन एक्ट लगता है, और जब इंटर स्टेट सक्सेशन है तो सक्सेशन एक्ट लग रहा है, और जब टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो रहा है तो वो टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। जो दूसरा आता है वो आता है एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब दो पर्सन, अलग अलग पर्सन, एक ए है और एक बी है, तो दोनों के एक्ट से जो कोई ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर माना जाता है एक्ट ऑफ पार्टी। इसको बोलते हैं इंटर वीवस। इंटर वीवस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्संस। जो व्यक्ति जिंदा है उनके बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो होता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी। जो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बात करेंगे वो हम एक्ट ऑफ पार्टीज वाले जो ट्रांसफर हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला ट्रांसफर होता है, जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन जो हो रहा है, वो हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी देख सकते हैं, और अगर इंटर स्टेट सक्सेशन हो रहा है तो वो भी हम सक्सेशन एक्ट से देख सकते हैं। तो वहाँ पे किसी पर्सन का जिंदा रहना जरूरी नहीं है, एक पर्सन जिंदा रह सकता है, एक नहीं है जिंदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज का जिंदा होना जरूरी है। दैट इज एक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। फिर अगर हम बात करें कि भाई प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड, तो ट्रांसफर हमने बता दिया, ट्रांसफर के बाद आता है प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी बात है यहाँ पे मेनली जो प्रॉपर्टी की बात करी है इस एक्ट में वो बात करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। तो जो बेसिकली इंडिया में मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 का एक एक्ट बना हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की बात होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ये जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट ये काम में आता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो एक्ट है इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और उन 8 चैप्टर्स में टोटल 137 सेक्शंस हैं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं इस एक्ट के अंदर और उनमें 137 सेक्शंस हैं। वो जो 8 चैप्टर हैं वो डिवाइड हैं फर्दर इनटू 137 सेक्शंस। फिर हम बात करें तो इस एक्ट का जो स्कोप है वो क्या है, तो यहाँ पे मैंने जो बातें लिखी हैं वो नॉन जो है नेगेटिव बातें हैं सारी। स्कोप की अगर देखें हम तो स्कोप में हमने नेगेटिव बातें यूज़ की है। जो पहली बात आती है वो आती है नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब होता है क्योंकि जब ट्रांसफर की बात आ रही है तो ट्रांसफर में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो एक स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है इस एक्ट में
क्योंकि यहाँ पे जो इस एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टीज के लिए दिए हुए हैं। और हालांकि मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टीज के कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी गवर्न होते हैं। दूसरा आता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज एक्सक्लूडेड। जैसा कि मैंने आपको भी पहले ही बताया कि अगर हम कोई टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर रहे हैं जहाँ पे पर्सन एक पर्सन जिंदा है और एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो रहा है तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, ना कि एक्ट ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ है वो एक्सक्लूड किया हुआ है इस एक्ट के अंदर। यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करी है, जो ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन हो रहा है उनके बारे में बात करी है। थर्ड इज ट्रांसफर मेनली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि ये जो एक्ट बना हुआ है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ये बेसिकली जो बना है ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज की ज़्यादा बात करता है। इसमें जो ज़्यादा सेक्शंस बात करते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत कम सेक्शन ऐसे हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सेक्शन जो 7 या 8 या 9 से लेकर अगर हम 50 तक देखें, 53 तक भी अगर हम बात करें, तो ये जो सेक्शन है ये मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए भी इंक्लूड है। लेकिन जो सेक्शन जो सेल्स के हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, लीज मॉर्गेज, ये जो सारे सेक्शंस हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सिर्फ बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करती है। तो इसलिए इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ज़्यादा बातें हैं। फोर्थ इज नॉट अफेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसमें बात करी है कि जो मुस्लिम्स के जो प्रोविजंस बने हुए हैं, मुस्लिम लॉ में जो प्रोविजंस बने हुए हैं, ये उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये उनको अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट के गिफ्ट के प्रोविजन से डिफर हैं, उन दोनों में डिफरेंस है, तो मुस्लिम लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे, इस एक्ट को प्रिवेल नहीं करने दिया जाएगा। इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं गिफ्ट के वो प्रिवेल नहीं करेंगे। अगला आता है टेरिटोरियल लिमिटेशन। टेरिटोरियल लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो एक्ट है ये जब आया था तो इंडिया के बहुत कम स्टेट्स में, क्योंकि इंडिया उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं था, स्टेट्स इंडिया में बाद में आए, तो ये इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद नए नए स्टेट्स जब बनते गए इंडिया में, तब ये उनमें आता गया, तब ये स्टेट्स में एनफोर्स होता गया। तो अभी भी एट प्रेजेंट ये पंजाब के कुछ एरिया में अभी भी ये एनफोर्स नहीं है। और पंजाब में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सिक्स पॉइंट इज सेविंग ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स एंड राइट। जैसा कि अगर कोई प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक इंसिडेंट है या कोई राइट क्रिएट हुआ पड़ा है पहले से ही, तो ये जो एक्ट है ये उस इंसिडेंट या राइट को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि अगर हम देखें इन फॉर एग्जाम्पल इन द पार्टीशन, अगर पार्टीशन होता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसमें पार्टीशन हो रहा है, तो उस पार्टीशन को ये जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पार्टीशन बता रखा है उसमें। तो ये जो स्कोप जो बता रहा है ये वहाँ पे जो उसके राइट है उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ये मैंने आपको इसका एक्ट का स्कोप बताया। दिस इज ऑल अबाउट द introductory video of this transfer of property act 1882. Hope you like this video. Thank you very much.